हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाई आशीष में। तो हम लोग यहाँ पर SSC कांस्टेबल GD का जो 2021 में पेपर हुआ था, हम उसका यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं। हम लोगों ने टोटल 10 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। 10 सेट का मतलब होता है 250 क्वेश्चन। कितना? 250 क्वेश्चन हम लोगों ने रीजनिंग के कंप्लीट कर लिए हैं और 250 क्वेश्चन हमने मैथ के कंप्लीट कर लिए। जो अपनी मैथ की क्लास है वो डेली शाम 8 बजे चलती है और रीजनिंग की क्लास आपकी ये 7 बजे पर चल रही है। क्लियर है ना? तो ये वाला पेपर कब हुआ था? ये हुआ था देखो 24/11/2021 को 4 से 5:30 बजे के बीच में। ठीक है, ये हुआ कहाँ पर था? आप लोग इसका वेन्यू नेम भी यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलते हैं अपने आज के सेट पर और देखते हैं क्वेश्चन। देखो हम लोग टोटल यहाँ पर 25 क्वेश्चन करते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और अगली क्लास में 25 क्वेश्चन मैथ के। लेकिन इस बार आपके एग्जाम में 20-20 क्वेश्चन आएंगे। देखो एग्जामिनर जो है वो इन्हीं 25 क्वेश्चन में से आपको बना के देगा। तो ये वाले यदि आप 25-25 क्वेश्चन कंप्लीट करते जाते हैं और सारे सेट कंप्लीट कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। जिस जिस कॉन्सेप्ट के आपको क्वेश्चन पूछता है, तो आपका मतलब जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी यदि आप लोग सारे सेट यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो जो अभी हमने दिखाया कि 24/11/2021 को ये पेपर हुआ था 4 से 5:30 के मध्य में। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर तक जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो पूछे जाते थे 25-25, लेकिन इस बार पूछे जाने हैं 20-20। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सेट है ये 25-25 क्वेश्चन के हैं और हम लोग इन्हीं को सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसमें पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए उस विकल्प अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखो यहाँ सबसे पहले लिखा है ASCQ EO और फिर क्वेश्चन मार्क। ये है देखो, ए का कोड 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, डिफरेंस 2-2 का है। तो 5 के बाद यहाँ क्या होगा? 7। 7 का मतलब यहाँ आएगा क्या? यहाँ आ जाएगा सर जी। क्लियर है ना? इसके बाद एस का कोड होता है 19, क्यू का होता है 17, ओ का होता है 15। 19, 17, 15 दो दो घट रहे हैं, 15 के बाद क्या आएगा? यहाँ पर 13 आएगा, 13 कोड होता है एम का। तो GM अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ना? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो उसमें है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला एक संख्या त्रिक की संख्याओं के बीच वही संबंध नहीं है जो संबंध निम्न संख्या त्रिक की संख्याओं के बीच है। देखो इसमें क्या हो रहा है, 3, 6, 18 के बीच में संबंध देखें तो ये हो रहा है 3 × 6 और 3 × 6 = 18। ऊपर में × 2 है, फिर है × 6। तो इसमें देखो 7 × 2 कितना हो जाएगा? 14 और 7 × 6 = 42। ऊपर मतलब इसमें 2 का और नीचे में 3 का। इसमें भी देख लो, 6 × 2 = 12 और 7 × 6 = 36। 2 और 6 का है, 9 × 2 = 18, 9 × 6 = 54, 2 और 6 का है, लेकिन इसमें क्या है, 8 × 2 = 16, 8 × 7 = 56। सब में 6-6 का मल्टीपल हो रहा था, इस पर 7 का मल्टीपल है, इस वजह से अपना जो ऑप्शन नंबर 4 है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब इसके बीच वो संबंध नहीं बन रहा है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए इज इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो निम्नलिखित में से इसका संबंध बताना है और इसमें बताना है कि जी का आर से क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ पर देखो सी मल्टीप्लाई जी, मल्टीप्लाई कहाँ पे? मल्टीप्लाई यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? ए बी की बहन है, तो सी जी की बहन है। अगर जी की बहन है तो जी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, जी की बहन है सी, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर है मल्टीप्लाई का फिर साइन लगा है जी इंटू यू, मतलब ए बी की बहन है तो जी यू की भी बहन है, तो यू की बहन कौन हो गई? वो जी हो गई, तो जी में भी ऐसे गोला लगा लेंगे हम लोग। आगे क्या है, यहाँ पर है प्लस का साइन, प्लस का मतलब होता है ए बी की पुत्री है, मतलब यू एम की पुत्री है, यू किसकी पुत्री है? एम की पुत्री है, तो ये हो गई, ये भी क्या हो गई? पुत्री हो गई। एम क्या है? या तो पिता होगा या तो माता। इसके बाद बराबर आर लगा हुआ है, बराबर का मतलब क्या होता है? ए बी की पत्नी है, यहाँ पर यम आर की पत्नी है, किसकी पत्नी है? आर की पत्नी, तो आर की ये पत्नी हो गई, यहाँ पर प्लस साइन लगा लेंगे। ठीक है ना? इसके बाद पूछ रहा है कि जी का आर से क्या रिलेशन है, मतलब आर कौन है, आर कौन है? देखो ये इसकी पुत्री है तो ये इसकी भी पुत्री है, जी का आर से मतलब जी का आर से क्या संबंध है? जो पहले होता है ना, मतलब उसको पूछता है ये कौन है। ठीक है, तो जी कौन है? इसमें जी है इसकी पुत्री, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं
अगला क्वेश्चन है कि छह दोस्त आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, टी बाएं से तीसरे स्थान पर और दाएं से चौथे स्थान पर। बना लेते हैं, यह है बाएं से तीसरे स्थान पर, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान यहाँ पर टी हो जाएगा और दाहिने फिर चौथा, एक दो तीन चार यहाँ पर हो जाएगा टी। क्लियर है ना? इसमें आगे की लाइन पढ़ते हैं, इसमें वी टी और एस के बीच में, तो टी यहाँ हो सकता है, एस यहाँ हो सकता है, टी और इसके बीच में क्या है, वी है। और देखो इसकी एक कंडीशन और बन सकती है, ठीक है, इसकी एक कंडीशन और बन सकती है, वो बन सकती है ये। हम लोग यहाँ पर दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। आगे है एस यू के बाईं ओर बगल में है, एस किसके बाईं ओर है, यू के बाईं ओर बगल में, तो यू का बायां क्या होगा, देखो यू का बायां इधर होगा ना, और यू के बाएं में एस को बैठा नहीं सकते क्योंकि यू के दाहिने क्या है, वी है। तो मतलब ये वाले अपनी लाइन क्या हो गई, गलत हो गई। आगे यहाँ पढ़ते हैं, जो आर है वो टी और डब्ल्यू के बीच में है, किसके इसके बीच में, टी और डब्ल्यू के, टी यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, तो आर कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। वी दाईं ओर से किस स्थान पर है, ये दायां ओर है, दायां ओर से किस स्थान पर है, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी गलती होती है, देखो यहाँ है वी के दाईं ओर से, क्या दाईं ओर से, अगर दाईं ओर से की बात करें तो हम लोग इसको काउंट करके तीन बताएंगे, एक दो तीन। अगर यहाँ पर के बात करता है, ठीक है, दाहिने के, तो फिर हम इसको बताते टी, मतलब फिर हम बताते हैं कि दाएं से पहला स्थान और दूसरा स्थान दूसरे स्थान पर है, कब, जब यहाँ पर के लगा होगा तब। क्लियर है ना इतनी बात, ठीक है। आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर 5, 16, 28, 36, 71, 90, 234 और 342, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा आप लोग स्टेप फॉर्म लगा लो, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, 5, 11, 28, 36, 71 ट्राई कीजिएगा आप लोग भी, 90, 234 और 342 आगे है क्वेश्चन, ठीक है ना, ट्राई करो। अंतर कितने का आ रहा है सर, अंतर आ रहा है 11 का। अगेन अंतर कितने का आ रहा है यहाँ पर सर, आ रहा है 12 का। इस पे अंतर देखा जाए तो ये कितने का आ रहा है, 8, 8, 16, 8 का अंतर आ रहा है। इस पे अंतर देखा जाए तो ये कितना है, 36, 2, 72, यहाँ पर 35 का अंतर आ रहा है, कितने का, 35 का। आगे का अंतर देख लो तो 70, 20, 90, 19 का अंतर आ रहे हैं। इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ आ जाएगा 4, 13 से 9 जाएगा 4, यहाँ पर आ रहा है 144 का अंतर, ठीक है ना। और आगे का यदि मैं अंतर देखूँ तो 242 लिखा हुआ है, तो 12 से 4 जाएगा, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 0, 108 का अंतर आ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है ना। चलो अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं और इसके बीच का फिर अंतर देख लें। देखो अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा, इसमें 11 मिल रहा, 8 मिल रहा, 11, 12, 8, 35, 19, 144, 28, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक इस पे और लगा लेंगे, एक मिनट। अब यहाँ पर एक बार हम लोग और स्टेप फॉर्म लगाएंगे, इस पे कितने का अंतर आ रहा है, प्लस वन का, एक आगे बढ़ रहा है ना, ये कितना हो रहा है, 8, 4, 12, माइनस का 4 हो रहा है, ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ पर प्लस का कितना हो रहा है, प्लस का सर ये 27 हो रहा है। इसकी बात करें तो ये सर माइनस का 16 हो रहा है ना, माइनस का 16 हो रहा है। यदि मैं इसकी बात करूँ आगे की, तो 14 में 9 जाएगा, कितना आएगा, 5, ये सर यहाँ पर 125 प्लस हो रहा है, कितना, 125 प्लस हो रहा है। आगे की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिर देखो माइनस जा रहा है, 14 में 8 जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ सर 36 माइनस का आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ आया यहाँ से समझ में आपको, कुछ अगर हिट किया है तो बताओ। देखो ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, मतलब 1 का यहाँ पर क्यूब रहा होगा, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, अब आगे कितने का होगा, 7 का क्यूब होगा, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है, 7, 7, 49, 7, 343, यहाँ आएगा कितना, 343, ठीक है। अब ये घटेगा कि जुड़ेगा, पहले यहाँ जुड़ रहा था, घट रहा था, फिर जुड़ा, फिर घटा, फिर जुड़ा, फिर घटा, अब ये क्या करेगा, 343 जुड़ जाएगा। जैसे हम 108 में 343 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 3, 11 की 1 हासिल, 1, 4, 1, 5, 3, 1, 4, कितना हो गया, 451। अब 451 में 342 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2, 1, 3, 5, 4, 9, 4, 3, 7, कितना हो गया, 793 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक निश्चित कूट भाषा में टी आई के आर आई, क्या
TIKRI, इसको लिखा जाता है 20, 18, 11, ठीक है, 36, 9, ऐसे करके इसको लिखा जाता है 20, 18, 11, 36, 9। देखो टी का कोड की मैं बात करूँ तो टी होता है 20, टी कितना होता है, टी होता है 20, आई होता है 9, के होता है 11, आर 18, आई 9। देखो यहाँ पर सबसे पहले 20 को 20 ही लिख दिया गया है, इस पे 2 का गुणा, 11 को फिर सेम लिखा गया है, इस पे 2 का गुणा, इसको फिर सेम लिखा गया, मतलब एक छोड़ छोड़ के दूसरे का मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। वैसे आप लोग बोल्ड का कर लो, BOARD, इस पे तो हम लोग सेम लिखेंगे, बी का कोड 2 ही होता है, ओ का कोड 15 होता है, तो 15 डबल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ए का कोड 1 होता है तो हम यहाँ 1 ही लिखेंगे, आर का कोड कितना होता है, 18 होता है, तो हम यहाँ पर 36 लिख देंगे, और डी का कोड 4 होता है तो हम लोग यहाँ पर 4 ही लिख देंगे। इसका मतलब 2, 30, 13, 64, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि मतलब ये इसका है मैथमेटिकल ऑपरेशन का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, चलो करते हैं इसको। यहाँ पर है 45, एस, एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का साइन लगा दो, ब्रैकेट 3, पी का अर्थ क्या है, तो पी का अर्थ यहाँ पर जोड़ दिया गया है, यहाँ पर 7 लिख दो, यहाँ पर फिर पी है, पी का अर्थ प्लस है, और इसके बाद 5 है, एस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, ब्रैकेट साइन फिर लगा है, ठीक है। इसके बाद कितना है, 8 है, एस फिर लगा है, एस का अर्थ फिर यहाँ पर भाग हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ पर पी का मतलब जोड़ है, तो जोड़ का साइन फिर लगा लो, और यहाँ 9 हो जाएगा, क्यों का अर्थ हो जाएगा गुणा, यहाँ पर 15, एस मतलब डिवाइड, भाग में कितना आएगा 5, इतना दिया गया ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7, 3, 10, इससे डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 × 15, 3 आ जाएगा, क्लियर है ना। अब इसको करते हैं, ये हो जाएगा 45/10 प्लस 5/2 प्लस कितना होगा, 9 × 3, 27, 27 हो जाएगा ना, 5 से इसको काट लो, 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45, ठीक है। एलसीएम ले लो कितना आएगा, 2, 9 × 5 = 14 प्लस का 27, 2 से इसको कट कर लो कितना आ गया, 7, 27, 7 कितना हो जाएगा, 34 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें 3 कथन और 3 निष्कर्ष पूछे गए हैं, ठीक है, 3 कथन है 3 निष्कर्ष है, कैसे, हमने क्या कहा है कि सबसे पहले हमें निष्कर्ष पढ़ने होते हैं, इसमें सभी पुस्तकें बक्से, तो पुस्तक यहाँ पर पुस्तक और बक्से में रिलेशन है, ठीक है, तो पुस्तक और बस्ता कहाँ पर है, सॉरी बक्सा, ठीक है, तो पुस्तक यहाँ पर है, बक्सा यहाँ पर है, तो देखो ये जुड़ेंगे, देखो ये थैले की वैल्यू 100, यहाँ पर 50, ये जुड़ जाएगा, कलम की वैल्यू 100, कलम की वैल्यू 50, तो पुस्तकें और बक्से में कुछ का रिलेशन बनेगा, और यहाँ पर कुछ का रिलेशन है, यहाँ पर इसके जो कथन है पॉजिटिव है, इस वजह से इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब पहला तो सही है। इसके बाद है कुछ बक्से थैले हैं, क्या कुछ बक्से थैले हैं, तो मतलब इसमें किस में रिलेशन, इस पर रिलेशन है पहले पे, ध्यान देना पहले पे रिलेशन, और दूसरे पे देखो, बक्सा और थैला की बात हो रही है, देखो कलम से कलम कट गया, कुछ थैला बक्से मिल गया, तो कुछ बक्से थैले हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरे पे है कुछ पुस्तकें कलम हैं, तो इसमें भी कुछ के रिलेशन है, किसमें, पुस्तक और कलम में, तो आपको यहाँ पर पुस्तक मिल जाए, यहाँ पर कलम मिल जाएगा, और यहाँ पर पुस्तक मिल जाएगा, ठीक है, क्या होगा, थैले से थैले, मतलब थैला से यहाँ पर, अच्छा ऊपर वाला देख लेते हैं, सबसे पहले इस हम लोग इसको देख लेते हैं, मतलब थर्ड वाले को ले लो और फर्स्ट वाले को ले लो, यहाँ पर देखो इस पे थैला है, इस पे थैला है, थैले से थैला कट जाएगा, पुस्तक और कलम में एक रिलेशन निकल के आएगा, देखो इसकी वैल्यू भी 50 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 50 हो जाएगी, दोनों 50-50 की वैल्यू, यहाँ भी क्या है, दोनों 50-50 की वैल्यू है, इसका मतलब जो थर्ड वाला भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस प्रकार फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हमारे तीनों अनुसरण करते हैं यहाँ पर, क्या फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यहाँ पर तीनों अनुसरण करेंगे। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है SYMBOL को लिखा जाता है YSMBLO, ठीक है, देखो कैसे लिखा गया, SY यहाँ था, SY को हमने क्या लिखा है, YS लिखा है,
एस वाई को वाई एस, बी एम को एम बी को बी एम, ओ एल को एल ओ, वैसे चेंज कर लो। बी ए का हो जाएगा ए बी, एन क्यू का हो जाएगा क्यू एन, यू ई का हो जाएगा ई यू, टी एस का हो जाएगा एस टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सेकंड मिल जाएगा, क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 23:368 समानुपात 25 अनुपात क्या होगा और 21 अनुपात 294। ठीक है, तो देखो स्क्वायर क्यूब तो है नहीं पहली बात, तो स्क्वायर क्यूब से मैं अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलो स्क्वायर क्यूब नहीं है तो छोड़ो। यहाँ पर देखो 23 का यदि मैं इसमें डिवाइड लगाऊँ कितने बार जाएगा, देखो 23 एकदम में 23 बचे कितना 13, ये हो जाएगा 118। यदि हम 23 से इसको डिवाइड करो तो देखो 3 के लास्ट में 8 कहाँ पर आते हैं, 6 बार में आता है ना, तो 30 में लगभग 6 बार ये चला जाएगा। 30 18 की 8 8 से लेख 3 2 6 2 12 1 13 कितने बार में कट जाएगा, 16 बार में। तो 23 गुणे 16 करेंगे कितना आएगा हमारा, 368 आ जाएगा। क्लियर है। अब लास्ट वाला देख लो, यदि हम 21 का भाग दें इसमें कितने बार जाएगा, 21 एकदम में 21 कितने बार में, 21 एकदम में 21 कितना बचा, 8 21 चौक 84, ये 14 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 21 गुणे 14 हो रहा है, कितना आ रहा है 294, कितना आ रहा है 294। अब यदि हम ऐसी इसमें संख्या ढूंढ ले जो 25 से कट जाए और कितना आएगा, तो ये संख्या 25 से कटने वाली संख्या तुम्हें चाहिए, ठीक है, चाहे तो ऑप्शन से आप लोग कर लो। ये संख्या पूरे प्रकार से 368 कट रही थी, 21 से ये पूरी तरह से कट रही थी, आपको ऑप्शन वो सही होगा जो कि 25 से पूरी तरह कटेगा, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलो इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से भी है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर सॉरी 23 है, 23 से यहाँ पर 16 है, मतलब 23 - 7 लिखा गया है, कितना 23 - 7 यहाँ पर लिखा गया है, 21 - 7 इसका मतलब जो भी आएगा वो होगा 25 - 7, तो 25 से 7 घटाओ कितना आया 18, 18 5 90 की 0 हासिल 9, 18 2 36 9 कितना हो जाएगा 45, तो 450 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी इसको कर सकते हो, क्लियर है ना। चलते हैं आगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर है बी ओ डब्ल्यू, बॉलर को लिखा जाता है सी पी एक्स एम एफ एस, और एन ई ए टी को लिखा जाता है ओ एफ बी यू। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखो, यहाँ पर बी का कोड कितना हो गया, बी का कोड 2 होता है, सी का कोड 3 होता है, मतलब यहाँ पर +1 जा रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग ओ से पी में +1 जा रहे हैं, डब्ल्यू से एक्स में +1, एल से एम में +1, यहाँ पर भी +1 और आर से एस में +1, मतलब हम लोग +1 जा रहे हैं। नीट में देखो एन का कोड 14 है, ओ का 15, +1 यहाँ भी है, टी का कोड 20, यू का 21, मतलब हमें +1 जाना है, ठीक है। तो एस ई आर आई ओ यू एस, सीरियस को क्या लिखा जाएगा, एस का कोड 19, 20 स्टार्ट कहाँ से होगा, टी से, ई का 5, 6 होता है एफ का, आर 18, एस होता है 19 का, आई 9, जे होता है 10, ठीक है, ओ होता है 15, 16 कोड होता है पी का, यू होता है, यू है ना, यू होता है 21, वी होता है 22, एस होता है 19, टी होता है 20। तो आपका कोड ये वाला जहाँ पर मिल रहा हो उसको राइट कर लो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमने क्या बताया था, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन डिक्शनरी का आना ही आना है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि डिक्शनरी जैसे हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले कौन मीनिंग आएगी, इसके बाद कौन सी मीनिंग आएगी। तो देखो आर ई एस से 3 मतलब ये सभी मीनिंग चालू हो रहे हैं, मतलब आर ई एस सभी में आ रहा है, तो हम आर ई एस को काउंट नहीं करेंगे अभी, ठीक है। कहाँ देखेंगे, आर ई एस के बाद इसमें क्या है, टी है, इस पे आई है, फिर टी है, फिर ओ है, फिर ई है। सबसे पहले क्या आएगा, सर सबसे पहले ई आएगा, इसका मतलब 5 नंबर की मीनिंग सबसे पहले आएगी, ई हो गया, 5 नंबर का काम खत्म हो गया। इसके बाद टी है, आई है, टी है, ओ है, तो इसके बाद सर आएगा आई नंबर की मीनिंग, 2 नंबर की मीनिंग फिर आएगी, ठीक है ना। इसके बाद टी हो गया, सॉरी ई हो गया, आई हो गया, इसके बाद ओ आएगा कि टी आएगा, सर सबसे पहले ओ आएगा, तो यहाँ पर 4 नंबर की मीनिंग आ जाएगी, ठीक है, किसकी मीनिंग, 4 नंबर की मीनिंग आ जाएगी। इसके बाद इस वाले पे आप टी देख सकते हो, इस वाले पे टी देख सकते हो, यहाँ पर ओ है वहाँ, ठीक है, ओ है, तो ओ की मीनिंग क्या आएगी, लास्ट में आएगी, मतलब 3 नंबर की मीनिंग सबसे लास्ट में आएगी। बच्ची कौन, 1 नंबर की मीनिंग, 1 नंबर की मीनिंग 3 नंबर की पहले आ जाएगी। 52413 अपने क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसमें क्या है, दी गई आकृति में वर्ग प्राकृतिक उपग्रह को दर्शाता है, जो आपको वर्ग दिख रहा है ना, ये दिखा रहा है प्राकृतिक
उपग्रह, क्या प्राकृतिक उपग्रह, ये लाइन ठीक है, मतलब ये वर्ड। इसके बाद है वृत्त तारों को निरूपित करता है, ये है ना वृत्त, ये किसको निरूपित कर रहा है, ये तारों को निरूपित कर रहे हैं। इसके बाद है आयत ग्रहों को निरूपित कर रहे हैं, ये जो आयत दिख रहा है ये क्या है, ये सारे हैं ग्रह, ठीक है ना। आगे इस पे क्या है, षटभुज वायुमंडल को, कहाँ बना है षटभुज, ये बना है ना षटभुज, ये है वायुमंडल, क्या है वायुमंडल। और आगे क्या है, यहाँ पर जो त्रिभुज है वो कृत्रिम उपग्रह है, ये जो त्रिभुज है ये क्या है, कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा अक्षर ग्रहों को निरूपित करता है, क्या ग्रहों, तो ग्रहों को निरूपित करता है मतलब ग्रह होने चाहिए, और आगे पढ़ो, लेकिन उन तारों को निरूपित नहीं करता है जिनमें वायुमंडल और प्राकृतिक उपग्रह हैं। उन तारों को निरूपित नहीं करता है जिसमें वायुमंडल है और प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। तो वायुमंडल को भी हटा दो और प्राकृतिक उपग्रह को भी हटा दो, ठीक है, उन तारों को जो वायुमंडल और प्राकृतिक उपग्रह में है। तो तारे हटा दो, कहाँ कहाँ जो वायुमंडल और प्राकृतिक उपग्रह में, मतलब ये वाला पोर्शन हम नहीं यूज करेंगे, और हमें उन ग्रहों को बताना है लेकिन कृत्रिम उपग्रह नहीं है। अब यहाँ पर ये भी देखो क्या है, कृत्रिम उपग्रह नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये कृत्रिम उपग्रह है तो ये वाला क्या हो जाए, कृत्रिम उपग्रह भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें है वायुमंडल और जिनमें वायुमंडल और प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक है, वायुमंडल होना चाहिए, प्राकृतिक उपग्रह भी होना चाहिए और ग्रह भी होना चाहिए, ऐसा आपको कहाँ पे मिलेगा। देखो ये यहाँ पर अगर आप लोग देखो सीखो ऐसे बनेगा ना, आप लोग यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। क्लियर है ना इतनी बात, ठीक है आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दिया गया है कि डॉक्टर को DOCTOR, डॉक्टर को लिखा जाता है SQW GTJ। अब यहाँ पर कोडिंग कर लेते हैं, क्या है, डी का कोड 4 होता है, ओ का 15 होता है, सी का 3 होता है, T20, O15, R18, ठीक है। वैसे एस का 19, क्यू का 17, डब्ल्यू का होता है 23, जी का होता है 7, टी का होता है 20, जे का होता है 10। अब इस पे देखो R18 से 19 हो गया प्लस 1, ये हो गया प्लस 1, T20 होता है ना, अच्छा R18 से 17 हो रहा है ना माइनस 1, कुछ एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ, DOCTOR है ना, तो 4 15 3 20 15 18, और ये है S19, Q17, W23, G7, ठीक है, जी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ठीक है T20 हो जाए, J10 हो जाए। अब देखो यहाँ पर R हो गया 18, यहाँ हो रहा है 19, मतलब प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पर O15, ये 17, मतलब प्लस का 2 हो रहा है, आगे देखो 20 से 3, यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है, आगे वाले हम देखोगे प्लस का 4 हो रहा है, O से T में जाएंगे तो प्लस का 5 हो रहा है, और D से J में जाएंगे तो प्लस का 6 हो रहा है, मतलब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस का 6। वैसे आपको टेलर का करना है, TAILOR, आर 18 होता है ना, 18 1 19, क्या मिलेगा S, ओ क्या होता है, ओ होता है सर 15, 15 और 2 17, 17 में क्या मिल जाएगा Q, इसमें 3 होगा ना, तो 12 3 15, 15 में क्या मिल जाएगा O, ठीक है। इसके बाद I में हम लोग 4 जोड़ेंगे, 9 4 13, क्या मिल जाएगा M, A में 5 जोड़ेंगे, 5 1 6, क्या मिल जाएगा F, इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाए 20 6 26 26, का मतलब क्या होता है जेड, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या मैच करेगा फर्स्ट, क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में पेपर कटिंग का क्वेश्चन है शायद, हाँ नीचे दिए गए कागज के टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीकों का क्रम दर्शाया गया है, कागज को खोलने पर यह किस प्रकार, मतलब कैसा दिखाई देगा, ठीक है ना। देखो इसको हम लोग ऐसे कर दिए, कैसे, ऐसे ऐसे मोड़ दिए, और इसको हम लोग इस प्रकार काटा है, देखो जैसे खुलेगा, ठीक है, तो ये किस प्रकार का होगा, ऐसे है, सबसे पहले देखो यदि इधर ये कटा हुआ है तो इस साइड भी कटा हुआ होगा, ठीक है, और बीच में क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे का बन जाएगा,
ठीक है, तो कितने कटे हैं, 1 2 3, तो 3 उस साइड भी जाएगा, 3 इस साइड भी आ जाएगा ऐसे करके, और ये वाला क्या हो जाएगा ऐसे करके भर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको फिगर देखना है कि आपको इस प्रकार का फिगर कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है ना, अब देखो इस वाले पर ये इधर की ओर कटा नहीं, इस वजह से वाला गलत है। ये वाला चौकोर आधा बना हुआ है, इस वजह से वाला गलत है। ठीक है, इस वजह से क्या ये वाला गलत है, ये वाले की बात क्या, तो इधर कटा हुआ नहीं है, तो इस वजह से ही गलत है, और ये वाला क्या हो जाएगा एकदम से आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पर दिया गया है 8 25, 8 25 57 221 और 449। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क, चलो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, ट्राई करो, आपके पास है 30 सेकेंड। देखो क्या हो रहा है, 8 25 57, अंतर से आएगा क्या, अंतर से आएगा क्या, अंतर से सर बहुत बड़ा अंतर जाएगा, क्योंकि 221 और 449 का जो अंतर आएगा लगभग 200 के आसपास आएगा, और 57 और इसके 221 के बीच का अंतर जो आएगा तो 100, मतलब 100 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, 100 से क्या आएगा, 100 से ज़्यादा ही आएगा, मतलब 170 के आसपास का। ठीक है ना, चलो इस पे और कुछ सोचते, देखो यदि मैं 8 का गुणा कर दूं 4 में, 8 6 32, माइनस का कर दूं 7, कितना मिलेगा 25। ठीक है, इस पे यदि हम बात करें तो 25 3 75 होगा क्या, 25 6 100 नहीं बनेगा ना, और कुछ सोचो इस पे, और कुछ सोचो, 25 6 कितना हो जाएगा 100, यदि 25 3 75 पे जाए तो 57 घटाने पे आएगा नहीं। ठीक है, तो ये लॉजिक भी यहाँ पर नहीं लगेगा। अच्छा, स्टेप फॉर्म लगा लेते हैं ना एक बार, हम लोग क्या करते हैं इस पे स्टेप फॉर्म लगा ही लेते हैं, शायद कुछ यहाँ से देखने को मिल जाए स्टेप फॉर्म से। क्लियर है ना, देखो अंतर कितने का आ रहे हैं, 15 से 8 जाएगा 7, 17 का अंतर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं 17 का। आगे का अंतर कितने का आ रहे हैं, आगे का अंतर कितने का आ रहे हैं, 7, 25 2 50, 50 7 57, 25 5 3 32 का अंतर आ रहे हैं। आगे देखेंगे तो 11 7 जाएगा आएगा 4, और यहाँ से 21 से 5 जाएगा आएगा 16, 164 आ रहे हैं। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, 228 आ रहा है, कुछ मिल रहा है क्या, देखो जरा, 17 2 34 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 4 हो रहा है क्या, चेक करो, 4 2 8 4 3 12, नहीं ये लॉजिक भी नहीं लगेगा, और कुछ सोचो इस पर क्या, और अपना ये वाला लॉजिक भी नहीं लग रहा है इस पर, क्या करें आगे, छोड़ दे इसको अभी के लिए, ये देख लेते हैं ना। देखो यदि हम इस पर 4 का गुणा करवा दें, ध्यान देना, और माइनस का 7 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा 25। चलो इसमें यदि हम 2 का गुणा करा दें तो प्लस का 7 कर दें तो कितना मिल जाएगा, अब इस पे 4 का हुआ है, इस पे 2 का हुआ है, एक बार इस पे तुम 4 का गुणा करा लो, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 5 20, 20 2 22, अब हम इससे माइनस 7 कर दें 221 मिल जाएगा क्या, 221 में 2 का गुणा कराने पर, 221 में 2 का गुणा करा दें तो 21 2 42, 2 2 4, यदि हम प्लस 7 कर दें तो मिल जाएगा क्या, हाँ सर मिल जाएगा, कितना गुणे 2 प्लस 7, इस पे देखो गुड़े 4 माइनस 7 गुड़े 2 प्लस 7 गुड़े 4 माइनस 7 गुड़े 2 प्लस 7, अब आगे क्या होगा, गुड़े 4 माइनस 7, तो 449 गुड़े 4 माइनस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 6 16 17 18 19 की 9 हासिल 1, 4 6 16 1 17, इससे आप लोग क्या करो 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1789, यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले ये ऐसे बना हुआ है, फर्स्ट लाइन इस पे ये गई है, इस पे सेकेंड लाइन बीच में गई है, फिर इस पे आ गया कोने पे आ गया, तो ये वाला किस प्रकार से होगा, ठीक है ये ऐसे जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा, थर्ड वाला लाइन इसके बीच में आएगा, और इस पे देखो तीनों का तीर अंदर की ओर है, तो इसमें सभी का तीर किधर की ओर हो जाएगा, अंदर की ओर, ठीक है ना। चलो ऐसा देख लो कहाँ पर, ऐसा आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 में, फिगर 1 में आपको दिख रहा होगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे
आगे आपको बताना है कि ये वाला फिगर आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला फिगर आपको कहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। चल जाए अपन ऐसे करते हैं, दिख रहा है, कुछ इस प्रकार का आपका बन जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि जैसे सिफिलिस जीवाणु, सॉरी सिफिलिस का संबंध जीवाणु से है, वैसे ही टीनिया पेडिस का संबंध किससे है। तो टीनिया पेडिस का संबंध किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा कवक से, किससे हो जाएगा कवक से। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे इसमें क्या है, चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन एक निश्चित प्रकार के से समान है जबकि उनमें से एक असंगत। देखो के का कोड होता है 11, आई का 9, ई का 5, ए का 1। इस पे देख लो 24, 22, 18, 12। इस पे देख लो 18, 16 और एल का मतलब 12 और ये 6। इस पे है 13, 11, 7 और 1। ठीक है, वहाँ इतना आपको लिखना नहीं है, आपका एक थोड़े से में आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 4 हो रहा है, सॉरी माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 4। किस में असंगत है, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना। हाँ आगे इसलिए कि यदि शिखा और राजकुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। देखो ये है वर्तमान आयु, ठीक है, ये क्या है वर्तमान आयु है, और 15 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:1, कितना है 3:1, कब 15 वर्ष पूर्व। अच्छा देखो अगर ये अभी 3 साल की है, मतलब ये दोनों लोग 15-15 साल बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो ये 1 था और यहाँ पर भी ये क्या है, 1 है, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये कितना है, 2 है। इसमें तो देखो 1 घट रहा है, इसमें क्या है, कुछ नहीं घट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका जो अंतर है ना, डिफरेंस, इसको बराबर कर लेंगे। डिफरेंस कैसे बराबर होगा, इसके बीच का अंतर कितने का है, 1 का सर, इसके बीच का अंतर कितने का है, 2 का। तो इसका अंतर का गुणा इसमें करवा दो, इसके अंतर का गुणा इसमें करवा दो। तो नया अनुपात हमें क्या मिलेगा, 2×2=4 अनुपात 2, इसमें 3:1। अब देखो बीच का अंतर दोनों का 1-1 का आ गया, तो 1 बराबर कितना आ गया, 15 के क्या पूछ रहा था, शिखा का वर्तमान आयु। तो शिखा ये होगी, शिखा की वर्तमान आयु कितनी है, 4 है ना, तो 1/15, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी पूछता राजकुमार की, तो राजकुमार कितने का हो जाता, 2/30 का। ठीक है, हमसे शिखा का पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, इस पे है कि KURDARAM, ठीक है, इसको हम जब दर्पण में देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा। तो सिंपल से आपको क्या करना है, कागज में नोट करना है, अपने जो वहाँ पर एग्जाम में पेपर मिलेगा उसमें नोट कर लेना है, पेपर को पलट के देखिएगा, तो आपको जो दिख जाए ना वही इसका क्या हो जाएगा, वही इसका हो जाएगा, मतलब दर्पण में हम जैसे देखेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखो जो दर्पण के नज़दीक होगा वो दर्पण के हम लोग नज़दीक रखेंगे, एम है तो एम ऐसे ही बन जाएगा, सिंपल से ए है ए ऐसे ही बनेगा। अब देखो ये वाला नज़दीक है ना, ये दूर है, तो दूर वाला दूर जाएगा, नज़दीक वाला नज़दीक रहेगा, आर ऐसे बन जाएगा, ए वैसे ही है, सेम ऐसे ही बनेगा। डी की बात करें, ये नज़दीक है, ये दूर है, तो नज़दीक वाला नज़दीक में, दूर वाला दूर में, ऐसे करके डी बन जाएगा। आर की बात करें तो आर फिर ये ऐसे करके बनेगा। यू की बात करें तो सेम बनेगा, के की बात करें तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लो ऐसा कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे अगला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है, अक्षरों के उन संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला, मतलब रिक्त स्थान आपको इसमें भरना है। ठीक है, कैसे भरते हैं, देखो इसमें देखो क्यू के बाद जेड आ रहे हैं, यहाँ पर क्यों के बाद जेड है, यहाँ तक तो सही है। यहाँ पर देखो क्यों का एक गैप छोड़ के जे मिल रहा है, तो क्यों का एक गैप छोड़ कर जे मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा जे, क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा जे भरा जाएगा। अब देखो जेड का 2 स्थान छोड़ के क्या मिल रहा है, के मिल रहा है, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जेड के 2 स्थान आगे के है, और देखो
इसको भरेंगे कैसे? जे के पहले आई है, जे के पहले आई हो गया, के को हम लोग कहाँ पे भरें? क्यों तो यहाँ पर है, ठीक है, के तो यहाँ पर है, तो के क्या भरने के लिए और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यदि हम के को यहाँ पर भर दें, ठीक है, जे के बाद के को भर दें, तो क्या हो जाएगा? आई जे के क्यू जेड, ठीक है, आई जे यहाँ पर हो जाएगा। इसको ऐसे कर लो, यहाँ पर भर दो आई, यहाँ पर भर दो जे, तो आई जे के यहाँ पर हो जाएगा क्यू, यहाँ पर हो जाएगा जेड। फिर ऐसे कर दो, आई जे के यहाँ पर क्यों, यहाँ पर जेड, तो क्या भरा जाएगा? सीरीज का बन जाएगी के जे आई जे क्यू जेड के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 की बात करें तो चार सहेलियाँ रति अरिमा सोनाली और गीत उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक बिस्तर पर एक दूसरे के बगल में बैठी हुई है, ठीक है ना। सोनाली रति के बाएं बैठी है, जो सोनाली है किसके बाएं है? रति के बाएं, तो यहाँ पर रति हो जाएगी, तो इसके बाएं क्या हो जाएगा? ये सोनाली हो जाएगी। आगे रति किसके बाएं ओर है? अरिमा के बाएं ओर बगल में। कौन? रति अरिमा के बाएं ओर, तो अरिमा यहाँ पर बैठा दे तो रति यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर है ना? गीत रति और सोनाली के बीच में, तो यहाँ पर रति है, ये सोनाली है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा गीत जी। उससे पूछा जा रहा है दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन सी लड़की बैठी है? बैठी है, तो दाएं छोर ये हो गया, दूसरा स्थान क्या हो जाएगा? ये कौन है? आर, आर मतलब रति। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर पासा का क्वेश्चन है और डेली आता है, ठीक है, ये पासा इंपॉर्टेंट है, इससे जीडी के लिए एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। विपरीत देख लेते हैं, एक को छोड़कर दूसरा विपरीत होता है, तो छः का विपरीत दो हो जाएगा, पाँच का विपरीत तीन हो जाएगा, एक का विपरीत चार हो जाएगा। तो छः का विपरीत दो, एक का विपरीत चार और पाँच का विपरीत तीन। हमने यहाँ पर एक बात आपको बताई है, जैसे ये मेरा हाथ है और इधर यदि पाँच लिखा है और तो यहाँ पर तीन कहाँ पर लिखा होगा? यहाँ पाँच लिखा है तो पीछे की ओर तीन लिखा होगा। क्लियर है ना? इधर पाँच है तो पीछे की ओर कितना लिखा होगा? तीन लिखा होगा। क्या तुम पाँच और तीन दोनों एक साथ देख सकते हो क्या? नहीं दिखेगा। मतलब विपरीत हमें ना तो एक साथ दिखेंगे ना ही एक साथ छिपेंगे, ये बात का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। पहले ऑप्शन में क्या है? दो पाँच छः, क्या दो पाँच छः, तो दो यहाँ है छः यहाँ है, हमें देखो दोनों विपरीत एक साथ दिख गए, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है चार पाँच छः, तो देखो चार यहाँ पर है, पाँच यहाँ पर है, छः यहाँ पर है, इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सेकंड नंबर। अगला देखते हैं, दो तीन पाँच, देखो तीन यहाँ है पाँच यहाँ है, तीन और पाँच एक साथ हो गया तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर है एक चार पाँच, एक यहाँ पर देखो एक के साथ क्या आ गया? चार आ गया, और एक के साथ क्या होगा? चार आएगा नहीं, इस वजह से ये हमारा क्या होगा? गलत हो गया। अपना राइट कौन है? केवल बी। तो इस प्रकार से केवल बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आपको ये क्लास कैसी लगी? देखो हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और टाइम लगा टोटल 38 मिनट का। क्लियर है ना? हाँ, इसकी पीडीएफ मैं आपको कहाँ पर दे दूंगा? पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और लिंक उसकी कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अगर डाउनलोड करना है तो वहाँ से आप लोग डेली जो यहाँ पर मैं करवाता हूँ उसका पीडीएफ मैं वहीं पर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद अपनी मैथ की क्लास पे, और यदि मैं आपको दिखाऊँ तो इसके जस्ट बाद आपकी मैथ की क्लास लगी हुई है, ठीक है ना। इसकी मैथ की क्लास यहाँ पर लगी है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको 8 बजे से मैथ की क्लास करेंगे। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।